हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी देखिए हम लोग आ गए भारद्वाज पार्क। अब चल रहे हैं टिकट लेने, फिर टिकट लेने के बाद चल रहे हैं अंदर। बने रहिए आप सब। ये रहा मेन गेट इस पार्क का, देखिए भारद्वाज पार्क प्रयागराज, वहाँ मिलता है टिकट। ये रहे सिक्योरिटी गार्ड, वो जा रहे हैं मेरे साथ वाले टिकट लेने। टिकट लेकर आ रहे हैं, फिर हम लोग चलेंगे अंदर। तब तक आप सब बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। ये पूरा चौराहा देखिए, जस्ट बालसन चौराहे पर ही भारद्वाज पार्क बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लोकेटेड है। वो रही भारद्वाज पार्क, वो रहा भारद्वाज जी की मूर्ति और काफ़ी हाइट ऊँची है उस मूर्ति की। चलिए उसको हम बाद में दिखाएँगे, पर टिकट लेने के बाद चल रहे अंदर। वो रहे नितेश भाई इधर, रविंदर भाई और बबलू भाई उधर गए टिकट लेने। ये रहा टिकट 10 रुपये का। ये टिकट आप देख सकते हैं, हम चारों लोगों ने टिकट ले लिया। अब चल रहे हैं अंदर, गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये टिकट वेरीफाई कर दिए, फाड़ दिए। अब चल रहे हैं हम लोग अंदर। ये देखिए पानी का धारा किस तरह से ऊपर से नीचे आता हुआ, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और रात में यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था है, देखिए लाइट जल ही रही है। अब हम चारों लोग चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर पार्क के अंदर, एंजॉय करते हैं। आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, पार्क का आप भी आनंद उठाइए साथ में। और वैसे काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है। ये पार्क आप चौतरफा एरिया देख सकते हैं, यहाँ से पूरा लोकेशन देखिए। वैसे काफ़ी ऊंचे स्थान पर बना हुआ है और सुबह का टाइम है, इस कारण से उतना भीड़ लगी नहीं हुई है। नहीं तो फिर शाम का समय रहता तो काफ़ी लोग जुटे रहते हैं, फिर भी भीड़ लगी ही हुई है। ये फव्वारा इस टाइम तो इस बंद किए हुए हैं, नहीं फिर इसमें से पानी फव्वारे के रूप में ऊपर उठता था फिर नीचे आता था। वो देखिए वो तीनों जा रहे हैं, अब हम भी चल रहे हैं नीचे। और ये पार्क का ये देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए, चलिए हम लोग नीचे चल रहे हैं दिखा रहे हैं। और वैसे इधर भी देखिए ये भी फव्वारा लगा हुआ है, और इस टाइम इसको ऑन तो नहीं किए हैं, बंद किए हुए हैं, बाद में अपना चलाएंगे। ये देखिए ये रहा बरगद का पेड़, और इधर का पूरा लोकेशन देखिए। ये पूरा पार्क का एरिया देखिए यहाँ से। सुबह का टाइम है इस वजह से इतना भीड़ नहीं। बगल में ये पूरा विद्यालय देख सकते हैं, और वो मेरे तीनों साथी जो आए थे साथ में वो आगे चल रहे हैं। और यहाँ प्रांगण में, इस पार्क के प्रांगण में आप देख सकते हैं बच्चों के लिए कुछ खेलने का वो रखा हुआ है, जहाँ बच्चे पूरा खेलते रहते हैं। वैसे देखिए इस दीवारों पर चित्रकारी की हुई है काफ़ी बारीकी तरीके से, और वहाँ कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं अपना। तो चलिए हम लोग चलते हैं इधर। और ये तो ऐसे बेसिकली बच्चे के लिए बनाया गया है, और यहाँ कुछ लोग हैं। हाँ ये एक चीज़ है, यहाँ कपल भी आते हैं, वो देख सकते हैं आप। जिम करने का पूरा जो सिस्टम होता है यंत्र, वो भी पूरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ लोग अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। जो नितेश भाई, हाँ साबस, बहुत सही, लगे रहो। हाँ चलिए रविंदर, तुम भी अपना करिए। हाँ
ये पूरा बच्चों का खेल देखिए, वो देखिए रविंदर भाई और बबलू भाई अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये पूरा प्रांगण में देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ चलो चलो करते रहो, क्या दिक्कत है तुम्हें। महाराज आप भी उठाइए। अरे वो ऊपर जाता है भाई, हाँ ऊपर ले जाओ उसको। ये देखिए पार्क में ये दूसरी साइड, यहाँ भी कुछ वैसे डेकोरेट किया गया है, फूल वगैरह हैं। और चलिए चलते हैं दूसरी जगह दिखाते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरी जगह, और धीरे धीरे प्रकाश आ रहा है। इधर देखो बबलू भाई, आए बबलू भाई। ये देखिए रविंदर भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं अभी, और पीछे दो लोग और हैं। ये एरिया देखिए मस्त बना हुआ है, एकदम अच्छा, पुष्प वगैरह हैं, फूल उल काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और वैसे ये एरिया पूरा फोटो क्लिक करने लायक है। हाँ चलो चलो मैं खींच रहा हूँ इधर से। हाँ और यहाँ से इस पूरे पार्क का आनंद उठाइए। और रहा पीपल का पेड़, और वैसे ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लकड़ी का बनाया गया है, और लकड़ी है उसी में मतलब पेंट वगैरह रंग वगैरह किए हुए हैं। वो नीचे आप बालसन चौराहा देख सकते हैं यहाँ से आ रहे हैं, एक मिनट, वो नीचे पूरा बालसन चौराहा देखिए। और काफ़ी ये पार्क जो है जस्ट बालसन चौराहा के पास में ही है, और वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से इसको। चलिए चलने पार्क की दूसरी तरफ। और यहाँ मेन बात जो जो फूल हैं उनके नाम भी लिखे हुए, ये देखिए पलासोम, वो रहा दूब और राहु, मतलब जितने पुष्प हैं सभी के नाम इसमें लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा भी यहाँ का। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए इस मैदान का फील्ड पार्क का, और काफ़ी हरी हरी घास यहाँ पे हैं। आइए रविंदर, फाइनली देखिए फब्बारा स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से फब्बारे का लोकेशन दिखाएंगे। ये देखिए पानी, आवाज़ तो खैर उतना क्लियर नहीं आ रहा होगी क्योंकि पानी का इसमें हलचल है ना, इस वजह से पाइप के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाकर फिर वैसे छोड़ दिया जा रहा है। इसमें जैसे मशीनें लगाई हुई हैं, अब वो देखिए वो वाला फब्बारा जो अभी बता रहे थे आपको। अब यहाँ से पूरा आप लोकेशन देखिए, यहाँ से पूरा देखिए ये फब्बारा फाइनली स्टार्ट हो चुका है, बड़ा वाला जो सर्किल में बना है। ये देखिए Thank you.
ये देखिए फव्वारा, और सारे फव्वारे तो ऐसे नहीं स्टार्ट किए गए, कुछ जो मेजर मेजर थे उन्हीं को स्टार्ट किया गया। चलिए अब चलते हैं पार्क की दूसरी साइड, और ये रहा पार्क का दूसरी साइड, वहाँ कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनको देखेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। ये देखिए फाइनली फव्वारा स्टार्ट हो चुका है, सेकंड वाला भी। चलिए नजदीक से इस फव्वारे को दिखाते हैं। ये रहा पार्क का दूसरा फील्ड, और यहाँ भी एक साथ एक पीपल का वृक्ष है और उसी में नीम का वृक्ष आप देख सकते हैं, दोनों जॉइंट हो चुका है। ये दोनों आ गए। तो गाइस अब फाइनली हम चल रहे हैं उस साइड जहाँ कुछ मूर्ति बनी हुई है, और उस मूर्ति की कलाकृति को देखेंगे, उसकी किस तरीके से बारीकी ढंग से उसको बनाया गया है, और काफी प्यारा व्यू आ रहा है। ये रहे भोलेनाथ और साथ में पार्वती और उनके साथ एक बैल। और वैसे चारों तरफ दीवारों को इन चित्रकारियों से भरा गया है, कई प्रकार के पुष्प के साथ, मतलब जानवर, पक्षी, जंगली जानवर, सब जानवरों को चित्रकारी की गई है। अब चल रहे हैं पार्क के दूसरे साइड। ये रहा बरगद का पेड़, और इसकी लताएं देखिए कितनी आपस में जकड़ी हुई हैं। रबर का पेड़ है, सॉरी, ये देखिए रबर का वृक्ष जो कि सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में पाया जाता है। ये रहा पार्क का चौतरफा एरिया जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। वैसे उतना कुछ खास है नहीं इस पार्क में, फिर भी ठीक ही ठाक था, और सही है, लोग अपना आते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नई नई चीज़ों का यहाँ मतलब वो करते रहते हैं, और तब पर भी ठीक ही था, अच्छा लगा यहाँ आकर के। यहाँ से पार्क का किनारा देख सकते हैं क्योंकि काफी नीचे दिख रहा होगा यहाँ से। मेरे साथ वाले उधर फोटो क्लिक कर रहे हैं, चलिए उन लोगों के पास चल रहे हैं। खैर यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, उधर सीढ़ी बनी हुई, सीढ़ी के माध्यम से जाते हैं।
दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा पार्क का गेट। चलिए चलते, वो देखिए भारद्वाज ऋषि जी का, उनकी मूर्ति है और सिल्वर कलर का है, देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी हाइट काफ़ी ज़्यादा है इस मूर्ति की। वो रहा वाशरूम बना हुआ इस पार्क में। और तो चलिए फ्रेंड, हम नीचे से कुछ दिखाते हैं। देखिए नीचे से किस तरह लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। और वैसे काफी प्यारा दिखेगा नीचे से भी। वैसे यहाँ से भी काफी प्यारा आ रहा है। वो रहा टिकट घर, वहीं टिकट मिलता है। और ये रहा मेन गेट। वो देखिए पाकड़ का वृक्ष, ये रहा चितवन का वृक्ष। देखिए ऊपर से गंगा कलकल बहती हुई आ रही महाराज के पास नीचे। ये रहे नितिन भाई, ऊपर से पूरा पानी नीचे डायरेक्ट आ रहा है चिड़ियों के माध्यम से। आप खुद ही आएंगे आज वाले। वैसे इतना पीछे वाला सीन इधर अच्छा आ रहा है। हाँ इधर का सीन अच्छा आ रहा है। इधर आइए आप, इधर से काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो चलिए ये पानी का धार देखिए। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारे ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ आप लोग भी कहिए। चलिए दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद। चलिए थैंक यू।